गाजियाबाद से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा, और आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। थाना विजयनगर से डीएवी चौक तक रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हवा चल रही है और सभी नेता अपने अपने पार्टियों और प्रत्याशी अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार जनसभा कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। थाना विजयनगर से डीएवी चौक तक ये रोड शो होने वाला है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। प्रथम, मुख्यमंत्री कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ माहौल बनने वाला है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, रोड शो को लेकर क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए। जी आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी संदीप शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री 4 बजे जो है चाणक्य चौक से लेकर डीएवी पब्लिक स्कूल तक रोड शो करेंगे। इसकी पूरी दूरी जो है 1200 मीटर बताई गई है और 3:40 पर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा और वहां से बाय रोड से चाणक्य चौक पहुंचेंगे। 4 बजे रोड शो स्टार्ट होगा। आपको बता दें कि जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 100 जगह जो है वो व्यवस्था की गई हुई है सम्मान की, और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप प्रथम, जिस तरीके से अब हम लोग तो देख ही रहे हैं कि उपचुनाव के समय में मुख्यमंत्री 9 की 9 सीट पर वो एक बार फेरी लगा चुके हैं। सवाल ये है कि जब अब चुनाव की जो वोटिंग है उसका दिन अब दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है, तो मुख्यमंत्री कोई कसर छोड़ नहीं रहे। सवाल यही कि इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या मुख्यमंत्री का दौरा है और वो पूरा माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? जी जी जी, ये जो लाइन पार क्षेत्र है, यहाँ पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी का रोड शो होने आ रहा है। वहाँ के लोगों में और युवाओं में बहुत ये था कि कभी भी मुख्यमंत्री हमेशा शहर सीट पर आए हैं, मतलब लाइन पार क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो इसलिए जो चुनाव की तारीख और इसको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री का दौरा लाइन पार क्षेत्र में रखा गया है। और वहाँ के युवाओं में और जनता में इतना उत्साह है क्योंकि वो खासकर युवा उन्हें इतना पसंद करते होंगे भाषण से, तो हजारों की संख्या में आज युवा इकट्ठे होंगे और लोग मुख्यमंत्री का रोड शो में आएंगे। तो ये रोड शो कितना लंबा होने वाला है? प्रथम, ये रोड शो कितना लंबा होने वाला है, और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री के आने से क्या उस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा जिस तरीके से ये जो प्रत्याशी है संजीव शर्मा वो लगातार बोलते आए हैं, वो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा या लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर की है? नहीं नहीं, बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ मानी गई है सीट को, और जो ये मुख्यमंत्री का 1200 मीटर का जो है रोड शो होगा, जिसमें प्रशासन ने यह भी कहा है कि काले कपड़े और कोई भी काली टोपी पहनकर ना आए और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और प्रथम, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से नेता आ रहे हैं जो इस रोड शो में देखने को मिलेंगे? क्या मुख्यमंत्री ही आ रहे हैं या और भी नेता मौजूद रहेंगे रोड शो में? गाजियाबाद में जितने तमाम सारे विधायक, महापौर और साथ नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे। ठीक है प्रथम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करने गाजियाबाद का दौरा है आज मुख्यमंत्री का, जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री 9 की 9 विधानसभा सीट पर लगातार उनका वो जा रहे हैं और वहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पक्ष हो या विपक्ष, यानी अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में हैं। किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना रह जाए, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा से लेकर और आम कार्यक्रम आयोजन तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और आज रोड शो भी है और रोड शो करेंगे आज मुख्यमंत्री और जो संजीव शर्मा है प्रत्याशी, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के शीर्ष नेता पूरी तरीके से कोई कसर ना रह जाए, इसीलिए
माहौल बनाने में लगे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लगातार हम देखते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक पूरी तरीके से वो तत्परता के साथ, लगनता के साथ और अपनी सभाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश लगातार नेता बना रहा है।